Brought to you by Howzat. Download the app now. 40 साल एक काफी लंबा अरसा होता है और 40 से भी ज्यादा सालों से एक शख्स जो भारतीय क्रिकेट से हमेशा से जुड़े रहे बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, उसके बाद वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट एज कमेंटेटर और उसके बाद एज हेड कोच रवि शास्त्री हमारे साथ हैं। रवि भाई, कैसे अब आप अपना आगे का सफर देखते हैं? देख भाई, मेरा कोच का काम खत्म होने के बाद ये पहला प्रॉपर असाइनमेंट है। मेरा ये उम्मीद था कि मैं रिलैक्स करूं 3-4 महीना, क्योंकि जितना क्रिकेट मैंने देखा है, जितना ट्रैवलिंग किया है, जितने बबल में रहे हैं, जितना आरटीपीसीआर टेस्ट किए, बहुत कम जन किए लास्ट 3-4 साल में। और अपना उम्र को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कभी कभी स्लो डाउन करना चाहिए जिंदगी में। तो मैं डिसाइड किया कि 3-4 महीना रेस्ट लो, उसके बाद क्रिकेट तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब हमारे अपना पैशन है। हम जीते क्रिकेट देखने के लिए, क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए और अच्छी क्रिकेट देखने के लिए, और स्पेशली इंडियन टीम की जी। और मुझे ये टूर्नामेंट का सबसे अच्छी बात लगी कि जो पुराने क्रिकेटर हैं, जो हमारे ये जो जनरेशन है कभी देखे नहीं है, उनको जब देखते हैं ये लोग अब कैसे खेलते हैं, चाहे पीटरसन हो, चाहे कल जैसा नमन ओझा ने बैटिंग किया, चाहे डैरन सैमी हो, काफ़ी जन जो मैं कह रहा हूँ 8 साल से 15 या 16 साल तक जो बच्चे हैं वो कभी देखे नहीं, अब वो देखेंगे और फिर वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा देखो उनका रिकॉर्ड क्या है, कि कितने रन बनाए, ये कैसे खेलते थे वो जमाने में। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगा कि हम जब बात कर रहे हैं लेजेंड्स का, इसका मतलब नहीं है कि बंदा 50 साल का हो, 55 साल का हो, या 45 साल का हो, या 40 साल का हो, और 35 साल का भी हो सकता है। अगर क्रिकेट छोड़ा हो 3 महीने के बाद आके लेजेंड्स में खेल सकता है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जब तक कमिटमेंट है प्लेयर्स का और फिटनेस लेवल्स पे अगर ध्यान रखेंगे, तो मेरा ख्याल में ये कॉन्सेप्ट बहुत दौड़ेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि आपने एज हेड कोच भारतीय क्रिकेट से को छोड़ा है, तो यहाँ पे लेजेंड्स लीग क्रिकेट में वो कोचिंग तो नहीं आ जाती, क्योंकि आप यहाँ पे कमिश्नर हैं इस लीग के, पर कभी कभार ऐसा तो नहीं कि प्लेयर्स को भाई कोचिंग भी हो जाती है थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं, मेरा हो गया काम कोचिंग का। हर चीज के लिए समय होता है, कोचिंग का भी समय था, मैं 7 साल किया, बस अब हो गया। अगर लोग आके मुझसे पूछेंगे क्या करना है, कैसा मेरी गेम की तरफ देखना है, मैं जरूर बात करूंगा, चाहे कोई भी कंट्री से हो सके। जैसे उस दिन मैं पहला दिन पे जब हमारे इधर गाला डिनर हुआ जी, तब सब कंट्रीज के प्लेयर आए बात करने के लिए, अप्रिशिएट किए कि 7 साल आपने काम किया, क्योंकि प्लेयर को ही पता होता है प्रेशर क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी कंट्री की क्या होती है कि हर मैच जीतना है, और जीत के अलावा वो कुछ लेते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो ये सब झेलने के लिए 7 साल बहुत काफ़ी टाइम होता है, तो मैं इसलिए ये सोचा कि 3-4 महीना आराम करो, ये अच्छा डिस्ट्रैक्शन है लेजेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखने भी मिलता है प्लेयर्स को, ये भी पता चलता है उनसे कि मॉडर्न ट्रेंड क्या है जी, क्योंकि वो खत्म किए क्रिकेट अभी, तो काफी फायदा होगा इससे। अच्छा रवि भाई, क्योंकि एक अरसा रहे आप इस इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, और काफी लोग ये मानते थे कि रवि शास्त्री इस भारतीय टीम की शील्ड थी, कभी भी कोई कंट्रोवर्सी होती थी या कुछ भी होता था, पता था कि रवि शास्त्री वहां पर हैं, सामने अगर किसी सवाल का जवाब देना है तो वहां पर रवि शास्त्री आते थे और जवाब देते थे और तरीके से देते थे। आपने जब विराट ने हाल ही में टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो एक आपने ट्वीट किया, उसमें लिखा आपने कि यार पर्सनली इट इज अ सैड डे फॉर मी बिकॉज वी बिल्ट दिस इंडियन टीम टुगेदर, आप और विराट कोहली, क्योंकि आपने लिखा उसमें कि इट्स अ सैड डे फॉर यू, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको लगा कि विराट थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते थे? मेरा आपका जर्नलिस्ट से मेरा ये काफी काम किया हूं जी मीडिया में, तो मैं एक चीज सिखा हूं ना, क्वेश्चन छोटा नहीं होता है,
क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, जैसा आपका आपका चार क्वेश्चन है इसमें, तो जी मैं पहला वाला आंसर करूंगा। जी पहला वाला ये है कि शील्ड था कि नहीं रवि शास्त्री। जी शील्ड होना मेरा काम है, समझ में आया? टीम का शील्ड होना मेरा काम है एज अ कोच। प्लेयर से प्रेशर निकाल के कभी कभी कोच को भी लेना पड़ता है प्रेशर। गाली देंगे लोग, बुरा बोलेंगे लोग कोच के बारे में, ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज टीम रिलैक्स हो, टीम अच्छा करे और टीम की परफॉर्मेंस देख के बाकी लोग बात कर सकते हैं उस पर। कोच का काम ये नहीं है डरना या खुश करना है। आप प्रेस से, अरे खुश करो इसको यार, अच्छा लिखेगा, अपना काम नहीं है, कभी था नहीं और कभी होगा नहीं जिंदगी में। लेकिन सच बोलना इम्पोर्टेंट है और आपसे सच सुनना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर टीम ठीक तरीके से नहीं खेले, हाथ ऊपर उठाओ, बोलो आप बेकार क्रिकेट खेले, डंडा का जरूरत है। लेकिन अच्छा क्रिकेट खेले और आप फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये हुआ वो हुआ, फिर वो थोड़ा सही बात नहीं है। तो शील्ड बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरा काम है, मैं एल्डर ब्रदर हूं उनका, जी मेरा काम है उनको प्रोटेक्ट करना, और कभी कभी बुलेट मुझे लेना पड़ा, बिल्कुल कोई नहीं, बुलेट काफी खाए जिंदगी में। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली, राइट? जी 5 साल उसने कप्तानी की, टेस्ट कप्तानी, 5 या 6 साल, उसमें से 5 साल इंडिया नंबर वन थे, बिल्कुल। हाँ, अभी ऐसा रिकॉर्ड हमारा कोई कैप्टन के पास नहीं, बहुत कम कैप्टन है वर्ल्ड ओवर जिनके पास ऐसा रिकॉर्ड होगा। तो जब कोई सक्सेसफुल कैप्टन या मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया का जब डिसाइड करते हैं कि उनको नहीं करना है, वो हर इंडिविजुअल का बात है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था 40 मैच जीतने का 68 मैचेस में, वो किसके पास थी? लेकिन उसको ही पता है अंदर से कि कितना एंजॉय कर रहे हो कैप्टनसी। सचिन तेंदुलकर जब एंजॉय नहीं कर रहे थे वो तो छोड़ के ही गए। एमएस धोनी एंजॉय नहीं कर रहा था या उसको लगा कि काफी हो गया है, वो निकल गया। तो सिमिलरली विराट कोहली को लगा कि 40 मैच जीतता है, 6 साल से कर रहा हूं, काफी हो गया है, मुझे अभी मेरा क्रिकेट एंजॉय करना है, मैं प्रेशर कम लेना है, मेरे को फोकस और ध्यान डालना है मेरी क्रिकेट के ऊपर। तो शायद काफी इंडिविजुअल्स को होता है, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं, मैं ओवरसीज, सुनील गावस्कर बीच में छोड़ दिया कैप्टनसी, कपिल देव आ गया ताकि वो फोकस करे अपने बैटिंग में और खेले 3-4 साल और, सचिन खेला 5-6 साल और, तो विराट का भी यही उम्मीद होगा। अब नंबर 3 क्वेश्चन कि वो कैरी ऑन कर सकते थे कि नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में और 2 साल आराम से और विद टॉप रिकॉर्ड, क्योंकि अभी इंडिया कौन आ रहा है, इंडिया का क्रिकेट सब इंडिया में जी, और 9-10 जैक आ रहे हैं, क्योंकि मैं सब टीम को रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन मैं रैंकिंग्स देखता हूं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और कौन, अफगानिस्तान, तो 40 विन 50 विन होता था, अरे वो तो फिर काफी लोग को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता था जी। अरे इतना 40 से वो हजम नहीं होता है खाना, 50 के बाद क्या होगा? तो मेरे ख्याल में वो 2 साल तो आराम से कर सकता था, लेकिन उसका बिल्कुल अपनी अपनी जो है उसका जो विश है मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते थे और 2 साल आराम से कर सकते थे। हमारी अभी टेस्ट क्रिकेट ना, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसका रिकॉर्ड देखो ना, नंबर वन टीम 5 साल, अरे मेरे को बताओ और कोई कंट्री में कभी भी कभी आर्ग्यूमेंट भी होता नहीं सर, कि नहीं नहीं क्या कहां पे सर आप, बिल्कुल उसके ऊपर भी अगर कुछ होगा बैठा देते। 5 साल लगातार नंबर वन, अब ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं सीरीज, इंग्लैंड से जीते हैं, साउथ अफ्रीका में 2-1 हारे, लेकिन टीम है नंबर 1-2-3 बिल्कुल इस समय भी। तो फिर भी चर्चा होता है कि टेस्ट कैप्टन होना चाहिए नहीं, क्या बोलना है रवि भाई? क्योंकि आपने कहा वो 2 साल और कंटिन्यू कर सकते थे, अभी हाल ही में जिस दिन विराट ने डिसीजन लिया था, हमारी बात हो रही थी सुनील गावस्कर से, उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि अगर रवि शास्त्री उस ड्रेसिंग रूम में
कोच के तौर पर होते, क्या विराट ये डिसीजन लेते? उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रवि शास्त्री होते तो शायद से विराट ये डिसीजन नहीं लेते। वो एक होता है कि कोई एक अपना जब नहीं होता है, सपोर्ट सिस्टम शायद से उनका चला जाता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप होते? देख, मैं जब बंदा वो पोजीशन में नहीं है तो स्पेक्यूलेट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर मैं ड्रेसिंग रूम में होता तो आप उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। अगर आप नहीं थे तो शायद वो रिटायर करते थे या छोड़ देते कप्तानी। बट वो एक सपोर्ट सिस्टम आप बन के, जैसे शुरू में पूछा भी कि आप शील्ड बन के आते थे हर किसी के, प्लेयर्स के काफी सारी कंट्रोल। मैं शील्ड कोई प्लेयर का नहीं था, मैं शील्ड था इंडियन क्रिकेट टीम का, ये याद रखना। मैं, मेरा जो काम मैंने किया 6-7 साल, मेरा जीरो एजेंडा था। मेरा एजेंडा था कि अगर कोई प्लेयर को कुछ बोलना है सीधा बोलो, मुंह पे बोलो, ऑनेस्टी से गेम खेलो, बिना डर खेलो। और बिना डर का मतलब यह है कि हारने से डरना मत, क्योंकि हार से ही सीखते हैं और चैंपियन बनते हैं। ये नंबर वन टीम ऐसे नहीं बनते, नंबर 7 तक पहुंचे थे, 6 तक पहुंचे थे। जब मैं लिया, जब मेरा कोच का समय आ गया था 7 साल पहले, तब ये थी रैंकिंग। इसका मतलब नहीं कि ये खराब टीम है, लेकिन वहां से नीचे जाने के बाद सीखना चाहिए कि कैसे ऊपर आना, फिर बनता है चैंपियन टीम, और ये चैंपियन टीम है। कहीं ना कहीं खैर ये था कि सपोर्ट सिस्टम जो रवि शास्त्री थे उस टीम में, उस ड्रेसिंग रूम में, विराट कोहली के लिए, क्योंकि आप दोनों की जर्नी एक साथ करीब करीब एक साथ शुरू हुई, उसमें काफी बार ये भी बोला गया कि यार, क्योंकि विराट कोहली ही चाहते थे कि रवि शास्त्री जैसा एक इंसान इस ड्रेसिंग रूम में आए एज कोच। उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ उस वक्त पे काफी, पर रिजल्ट्स हालांकि आप लोगों ने जो टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट एंड में क्या है ये चीज, एक चीज बताओ, अब हम सोएंगे 2 साल, क्रिकेट चलता रहेगा, प्लेयर आते रहेंगे, कप्तान आते रहेंगे, जर्नलिस्ट आते रहेंगे, कमेंटेटर आते रहेंगे, 7 साल के बाद वो बोलेगा रे यार 5 साल ये टीम नंबर वन था, वो तो लिखा जाएगा ना उधर, बिल्कुल, वो कौन मिटा नहीं सकते। तो हम खेलते क्यों, हम जीते क्यों, हम काम क्यों करते हैं? मेमोरीज के लिए। जब बुढ़ापन आ जाए, आ जाएगा ना, तब ये मेमोरीज के बारे में सोच के ही ना जवान हो जाता है बंदा, समझ में? और वो मिटा नहीं सकते कोई। ट्रांजिशन फेज है ये इंडियन क्रिकेट का, आप भी चले गए एक तरफ से, ये दिख रहा है कि कप्तान बदले हैं, एटलीस्ट वाइट बॉल फॉर्मेट में तो हो ही चुके हैं, विराट ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर ली, कितना डिफिकल्ट फेज देखते हैं अगले कुछ महीने? डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स के पास काफी टैलेंट है, यू नो आईपीएल टूर्नामेंट से काफी लोग आते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए तो मतलब सबका रोल है इसमें, सिर्फ कप्तान का नहीं, सिर्फ प्लेयर का नहीं, सिलेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सही टीम पिक करने के लिए, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए सबके साथ जी, ताकि सबको समझे कि ये ट्रांजिशन है, कि 3-4 महीना लगेगा लेकिन हमारा ये डायरेक्शन है, तो सब सेम पेज पे होना चाहिए, तो फिर वो ट्रांजिशन जो है स्मूथ हो जाएगा। और आप बोले जा रहे थे शील्ड कोच, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमें ये जो सक्सेस है कभी नहीं मिलता ना विदाउट माय सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि मेरा काम बहुत आसान बना दिया वो लोग, भरत अरुण, श्रीधर, विक्रम राठौर, उसके पहले संजय बांगर, ऐसा सपोर्ट स्टाफ, ऐसा टीम था कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं, मुझे, और मैंने तो फ्री हैंड दिया था कि आप सब प्रोफेशनल है, आप सब ट्रेंड कोचेज हैं, तो आपके डिपार्टमेंट पे फोकस रहो, बाकी मैं देखता हूँ ऊपर। और ये लोग जबरदस्त काम किया, ये 4-5 जन का नाम लिया मैंने, बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि यंगस्टर्स की बात करी जो आएंगे, मैं सवाल जो थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था आपसे कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का क्या? देख मैंने ज्यादा नहीं देखा हूं, लेकिन मैं जब था कोच ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे मेरे लिए, और काफी जो जीत हुआ है हमारे लिए यू नो उस समय, ये दो प्लेयर का बहुत ही ऊंचा हाथ था।
अब उनका करंट फॉर्म है, और मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ करंट फॉर्म, क्योंकि मुझे नेट में पता चलता था कि शायद रन भी नहीं बने, लेकिन उसका जब प्लेयर का पैर कैसा हिल रहा है, यू नो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉल को कैसा छोड़ रहे, उससे मुझे पता था कि इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसका फॉर्म क्या है जी। मुझे ये जरूरत नहीं था कि स्कोर बुक देखे 35, 50, 3, 5, नहीं, मुझे जब नेट में देखने मिलता था ना प्लेयर को, तब पता चलता था कि इसमें है दम अब, या इसको कुछ बोलना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं जी, जब मैं 2017 में वापस आया तो अनिल कुंबले थे कोच 9 महीने के लिए, तो उनका जो कुछ प्लान था वो चल रहा था कि कंटिन्यूटी रखे, अगर 2 ओपनर्स आए उनको खेलते रहे। तो मेरे ख्याल में एक ओपनर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विजय या राहुल ओपनर, और उसके साथ था अभिनव मुकुंद, और शिखर धवन ने चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अच्छा जी प्रदर्शन दिया। तो जब हम श्रीलंका पहुंचे तो मेरा ये सेकेंड इनिंग्स था, उसमें मैं आया था 9 महीने के बाद, तो मैं इसको देखा डेट में, तो मैं ये तो बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त, एक्सपीरियंस है, फॉर्म में है, करंट फॉर्म अच्छा है, मेंटल स्टेट अच्छा है। तो पहला बैच प्रैक्टिस मैच में नंबर 6 पे गया, तो आगे वाले आउट हो गए, 25-30 बनाए, और जब मैं देखा मैं बोला यार ये इसको खिलाना चाहिए ऐसा भी करके। तो मैं विराट को जाके बोला, विराट इनिशियली हेजिटेंट थे, बोला नहीं यार वो हम डिसाइड किए थे ये वो। तो दूसरा दिन मैं देखा नेट में, तो फिर अभी यहाँ पे तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, बोला कि इसको खेलना ही पड़ेगा, ओपन करेगा, और उसी मैच में 190 बनाया, और फिर 3 साल आराम से निकल गया श्रीलंका। तो कभी कभी कोच को ये ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन स्कोर बुक देख के नहीं, पैर, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग, फ्लो, ये सब चीज देखना। तो आप बोल रहे हैं कि अगर मैं सही समझ रहा हूं कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे में अभी भी टेस्ट क्रिकेट है, पर कोच को वहां देखना पड़ेगा, हो सकता है वो राहुल द्रविड़ हो, वो ये देखना पड़ेगा कि शुड आई परसिस्ट विद हिम, या परसिस्ट एक और सीरीज दे, या और कोई है, प्लेयर है इन एक्सपीरियंस प्लेयर से अच्छा जो रिप्लेस कर सकता है इमीडिएटली, है कोई? मैं देखा नहीं हूं करंट फॉर्म, आई एम नॉट फॉलोड लास्ट 3 मंथ्स, मैं नाइदर हैव आई सीन, जैसे अब बैटिंग कर रहे चेतेश्वर या अजिंक्य, ये देखना पड़ेगा कुछ। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये है कि विराट ने क्योंकि कप्तानी तो छोड़ दी, अब अगला कप्तान कौन, क्योंकि रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी दे ही दी गई है, पर टेस्ट क्रिकेट, क्या उनको टेस्ट क्रिकेट भी दी जा सकती है, क्योंकि जितनी क्रिकेट आजकल खेली, क्यों नहीं, अगर वो फिट हो, क्यों नहीं, उसको तो बनाया था वाइस कैप्टन ये सीरीज के लिए भी, तो वो यू नो इंजरी की वजह से नहीं गए, तो अगर वाइस कैप्टन बनाए थे तो क्यों नहीं बना सकते, और उनके नीचे किसी को ग्रूम अगर करना हो एज वाइस कैप्टन, वो देखना पड़ेगा, वो राहुल को देखना पड़ेगा, द्रविड़ को, कि कौन सा ही बंदा है, क्योंकि वो बंदा सर्टेनिटी होना चाहिए टीम में जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं काफी बार सोचता हूँ ये वाइस कैप्टन के बहुत बड़ा इश्यू करते हैं लोग, कभी कभी मैं सोचता हूँ अनाउंस ही क्यों करें, वहां जाके देखो जो फिट होते हैं 11 में, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, कौन कप्तानी कर सकता है उसको बनाओ, अगर यहां से अनाउंस करके लेके जाता है और वो बंदा अगर टीम में नहीं बैठता है तो फिर मुसीबत होता है, कैसा वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर सकते हो, कोई कोचिंग मैनुअल में रूल है क्या कि ड्रॉप नहीं कर सकते, ऑफकोर्स ड्रॉप कर सकते, तो ऐसा अगर डाउट हो तो अनाउंस ही नहीं करो, बोला वहां जाके डिसाइड करेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को काफी बार बार बैठना पड़ा एज वाइस कैप्टन। उसके ऋषभ पंत और केएल राहुल के लिए हालांकि काफी उन दोनों का ही चल रहा है, ऋषभ देख, ऋषभ जबरदस्त प्लेयर है, ट्रिमेंडस यंग प्लेयर है, मैं तो साफ बोलता हूं जब मैं कोच था मैं तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि उसकी एटीट्यूड, और ये नहीं वो सुनता भी था जी, ऐसा नहीं कि यू नो काफी लोग बोलते हैं वो
वो जो चाहता है वो ही करता है, बिल्कुल नहीं। उसको टीम का इंटरेस्ट हमेशा होता है, और मैं ऑलवेज देखा कि ये गेम अच्छा रीड करता है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए फॉर लीडरशिप क्वालिटीज इन द फ्यूचर। रवि भाई दो बयान आए थे, एक अश्विन का बयान आया था कि भाई मेरे को बड़ा खराब लगा, मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज थ्रोन अंडर द बस जब ये बोला गया कि वो तो मैंने कुलदीप बोला कोहली उस पे एक्सप्रेस अड्डा में, एक्सप्रेस जी अड्डा ना, उसमें बोला उस मैंने, आपने जवाब हाँ, कि दिया बस ड्राइवर से मैंने बात किया था जी, कि मुझे 1 फुट आगे रोक जाओ। बिल्कुल मुझे बिल्कुल याद है। पर उसके बाद अब साउथ अफ्रीका का दौरा होता है, अश्विन वहां जाते हैं, 3 मैच खेले, बहुत कुछ खासा प्रदर्शन नहीं था, रविंद्र जडेजा ने मिस किया था ये सीरीज। क्या आज मैं अगर आपसे पूछूं, क्या अश्विन अगर हम विदेश जाते हैं क्या वो इंडिया के नंबर 1 स्पिनर हैं टेस्ट मैचेस में? अभी बहुत है समय है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अभी बाहर कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला सब क्रिकेट इंडिया में ही है, एक ही टेस्ट बाहर है। अभी मुझे बताओ 2 साल में कहाँ है, दो जी साल के बाद पूछो ये क्वेश्चन, फिर तब तक देखते हैं मीटर किसका चल रहा है, क्योंकि हालिया स्पिनर में कौन सा किसका मीटर क्या चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी क्या है ही नहीं, सब क्रिकेट में बोला ना 9-10 जैक जो आ रहे हैं, जी इंडिया में आराम करो, धमाल देखो, एंजॉय करो। आप बिल्कुल, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि चार पांच साल रहे हैं पिछले, काफी प्रेशर में रहे होंगे, अंडर प्रेशर रहेंगे, प्लेयर्स से कुछ बातचीत हो पाती है या बिल्कुल ही अलग कट ऑफ? मैं कट ऑफ, टोटल कट ऑफ। अभी आप ऑब्वियसली मिलेंगे जब मैं वापस, अगर कमेंट्री करने गया या कहीं, नहीं तो कहीं तो मिलेंगे। ऐसे थोड़ी भूलेंगे कौन, 7 साल जो थे टीम के साथ, मेरे ख्याल में लास्ट 5 ईयर्स जो क्रिकेट खेले हैं, ये सबसे ज्यादा याद रखेंगे और एंजॉय करेंगे। ये ऐसा क्रिकेट बहुत कम टीम खेले, बहुत कम इंडियन टीम ऐसा क्रिकेट खेला है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स लास्ट 5 ईयर्स में। लेकर क्या जा रहे हैं अगर आप उस टीम से? लेगेसी की कभी हार नहीं मानना, फाइट करो और बिंदास क्रिकेट खेलो बिना डर, कोई मीडिया का, कोई ऑपोजिशन का, किसका भी नहीं, बिंदास क्रिकेट खेलो। बोलने वाले बोलेंगे, एक्सपर्ट्स तो रहेंगे, अभी हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे सडनली, ओके, कोच के बाद एक्सपर्ट। अरे एक्सपर्ट लोग को बोलने दे जो बोलना है, लेकिन बिंदास क्रिकेट खेलो तुम लोग। लोग बोलते हैं कि फायर एंड आइस, जो है फायर और आइस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, पर इंडियन क्रिकेट में ऐसा हुआ कि आप और विराट कोहली दोनों ही फायर के तौर पर आए और रिजल्ट्स आ गए। अब राहुल द्रविड़ कोच हैं, अगले कप्तान रोहित शर्मा है, तो वो कॉम्बिनेशन भी सेम है आइस और आइस का है क्या? मुझे पता नहीं, मैं तो, आपने बोला फायर और फायर, पॉजिटिव पॉजिटिव मेक्स पॉजिटिव, तो ठीक है। राहुल द्रविड़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? चैलेंज, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो हमें ग्रेट प्लेयर थे हमारे उसके जमाने में, कोचिंग अलग है, वो सीख जाएंगे। वो मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन समय बताएगा कि कितना एंजॉय कर रहे हो। अब हम आपको अगला कब देखेंगे, अगले किस रोल में और कब देख पाएंगे? अब और जैसा मैंने बोला, काफी मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि काफी समय गए बबल में, क्वारंटीन में, ये वो, तो मुझे रिलैक्स करना है 2-3 महीना, देखा जाएगा, शायद आईपीएल या उसके बाद, या इंग्लैंड में तो पक्का। अच्छा, इंग्लैंड में 100%। रवि भाई एक जाते जाते एक सवाल, विराट ने भी ये बात काफी बार कही है कि बायो बबल जो है वो खिलाड़ियों के लिए मेंटली बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। पीछे भी उन्होंने, तब तो 1 साल ही हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था, कल केविन पीटरसन से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने कहा शायद से अगर बायो बबल नहीं होता, विराट एक बेहतर स्थिति में होते, वो शायद से ये कप्तानी भी नहीं छोड़ते। तो बायो बबल्स का कितना मेंटली चैलेंजिंग होता जा रहा है प्लेयर्स के लिए, सबके लिए, सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर्स, अंपायर्स, ऑफिशियल्स, जितने भी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं ये ऑप्शन देना चाहिए प्लेयर को, अगर ब्रेक लेना है उसको या नहीं, और ये उनके अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए कि ब्रेक मांग रहा है कोई प्लेयर, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है उनको भी याद रखना चाहिए कि बबल में बहुत मुश्किल है झेलना, तो कभी थोड़ा देर के बाद अगर कोई प्लेयर को लगे कि यार मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, मैं जैसे स्टोक्स के साथ हुआ, जैसे काफी प्लेयर्स के साथ हुए, इंग्लैंड प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ब्रेक लेने दो प्लेयर को। अगर प्लेयर ने लिखा बोर्ड को कि मुझे 3 महीना ब्रेक चाहिए या 2 महीना ब्रेक चाहिए, वो वेलकम करना चाहिए,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको नहीं जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि जो बाहर बैठते हैं ना, जी अगर हम, मैं बाहर बैठा हूँ, मैं तो एयर कंडीशन में बैठा हूँ, मैच देख रहा हूँ, मैं तो रूम में बैठ के देख रहा हूँ, मेरा तो कोई बबल नहीं है। जब आप जाएंगे ना अंदर बबल में, फिर पता चलेगा बबल क्या होता है। लेकिन बबल के बारे में या सोचना या डिस्कस करना बाहर से बहुत आसान है, जब कोई बंदा अंदर हो उसको पता है क्या होता है बबल। तो जब वो बोलता है कि मेरे लिए इतना आ गया अभी मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने बोला कि प्लेयर को अलाउ कर देना चाहिए अगर वो ब्रेक मांगता है, क्या इंडियन क्रिकेट में पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि एक जगह के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज कभी आ जाती है। हम विदेश में सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसी ने ब्रेक ले लिया, इंग्लैंड में किसी ने ब्रेक ले लिया, इंडिया में बहुत। तो ये प्लेयर, ये प्लेयर को भी पता है, तो प्लेयर भी सोचेगा ना ब्रेक मांगेगा कि नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लेयर मांगेगा ये ब्रेक, इनसिक्योरिटीज कभी आ जाती है कि यार, तो शायद प्लेयर मांगेगा या नहीं, वो प्लेयर के ऊपर है। अगर प्लेयर इनसिक्योर है तो कभी मांगेगा नहीं, अगर प्लेयर सिक्योर है उसका हक है मांगना। चलिए रवि भाई, थैंक यू वेरी मच। और आपने जैसे बोला कि अब काफी 4-5 साल की वो कड़ी मेहनत और उस प्रेशर के बाद अब आप रिलैक्स कर रहे हैं, ओमान में हैं, मस्कट में, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल गई रवि भाई से यहाँ मिलने की। लेजेंड्स लीग क्रिकेट है, हाउस एट लेजेंड्स लीग क्रिकेट, कमिश्नर हैं रवि शास्त्री। और रवि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और एज ऑलवेज बेबाक बात करते हैं और मिलते हैं। Thank you. Pleasure.